बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आज। मुझे ना तुम्हारा लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है। ये मत पूछना कौन सा वाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। स्वीटी पागल होगी क्या? शेरी पुत्र, स्वीटी, तुम दोनों भी मुंह मीठा कर लो या एक दूसरे को देखकर ही खुश होते रहोगे। हाँ नहीं जी आंटी। ले ले पुत्र। इस लड्डू में ना वो बात नहीं है। चलो ना अंदर चल के मुंह मीठा करते हैं। अच्छा बता, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन से ज्यादा रात में लेने में मजा आता है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? छी, you're so dirty. What's so dirty यार? नींद। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में रात में हर वक्त लेने का मन करती है? अच्छी लंड मेरा। तरुण का कॉल आ रहा है, कल के नाटक के बारे में होगा, बात कर। चलो सब सुनते हैं। हेलो, अबे हेलो। हेलो, अबे तल्ले रूम की चाबी लेके गए, कम से कम लौटा दो देता। कौन सा रूम? सही है बेटे, काम हो गया तो कौन सा रूम? अबे वही रूम जहाँ तू तन्वी के साथ गया था। अच्छा वो रूम जहाँ मैं तन्वी को ज्योमेट्री पढ़ाने लेके गया था। अबे ज्योमेट्री ज्योमेट्री छोड़, तो ये बता तूने उसको अपना अलजेब्रा दिखाया कि नहीं? समझ रहे हो? इनविटेशन तुमको भेजा था, तुम आए ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था। आईडी प्लीज। हाँ आईडी दो। थैंक यू मैम। सर आपकी आईडी? क्या वो मिल नहीं रही क्या? हाँ यार आईडी मिल नहीं रही है। अरे सर मिलेगी कहाँ से, आपकी आईडी तो मेरे पास पड़ी हुई है, कल आप मैम के साथ आए थे ना तो छोड़ गए थे यहीं पे। तुम यहाँ किसी और के साथ आए थे? मैं क्यों आऊंगा, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तू यहाँ पे कल आया था और तू 2 घंटे रुक गया। 3 घंटे था। ये फंस गया। अरे 1500 की घड़ी आती है, नहीं लेने को नहीं होता तेरे को? क्या लड़कों वाला चीज पहन के घूमती है? काय मुलगाणी मुलगी, घड़ी टाइम बताने के लिए होती है, उसमें क्या लड़का लड़की का? लड़का और लड़की की हर चीज अलग अलग होती है, चाहे घड़ी हो या गाड़ी, समझ ला? सोच रहे तेरी, मानना पड़ेगा। हमको तो लगता है ना ये लड़का सच कह रहा है। आपको कैसे मालूम? अपनी मम्मी की कसम खा रहा है ना, हमारा लल्ला हमारी कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलता, कसम से। आपको कैसे मालूम? अरे क्या कैसे मालूम, कैसे मालूम? देख ले रही हो, अगर हमारा लल्ला हमारी झूठी कसम खाता तो क्या हम अभी तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़े रहते? पुष्पा जी अपने और अपने लल्ले का डीएनए चेक करवा लो, कहीं और विकेट गिर रही होगी। रक्षित, amazing poetry, amazing, you nailed it. Boss, ek beer aur kar dena. Thanks, Amin. Thank you for such a sorry darling. Sorry darling. कौन? अरे मुझे भी पहचाना। खैर पहचानोगे अभी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। मैं रसीली रश्मि आपकी पड़ोसन हूँ। अरे ये आपकी वाइफ है? मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। हाँ हाँ टिंडर मैच, बेटा मेरा तो सूखा पड़ा है। क्या बोला तूने? बेटा मेरा तो सूखा पड़ा है। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। खैर थोड़ी सी चीनी मिलेगी? हाँ लाती हूँ। बेटा ऐसे मत लाना, पहले दूध गर्म करना, उसमें चाय पत्ती डालना, फिर उसमें चीनी डाल के फिर लाना। मैं दिखाती हूँ, मैं तो कभी गलत दी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको। देखो दीदी ये रही, पूछो अब इससे ये कौन है लड़का। देख बहाने बनाएगी कि ये तो मेरा बस ट्यूशन का फ्रेंड है, मैं तो इससे बस नोट्स ले रही थी, हम तो बस दोस्त हैं, है ना। देख सच सच बताइयो
बोली हो क्योंकि मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसके साथ हंस हंस के बातें करती हुई आ रही थी। बता कौन है ये? भाभी वो मेरी ननन का लड़का है राहुल, कल ही आया यहाँ पे। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों? तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी उसकी नाक काट दी। तुम्हें लगता है कहानी उल्टी सुनी थी? ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कटा था। सिलेबस नहीं पता है तुम लोगों को तो कहाँ सक्सेस होगा रे। तुम लोग सिलेबस में है कि टाइम दीजिए और उसके आगे आप टैलेंटेड रहिए। अब किसी भी चीज में टैलेंटेड रहिए। लड़की मार धार वाला लड़का नहीं खोजती है सर, सालीम खोजती है सर। अगर तू फाइट मारियो दिया है तो फिर शांति से चला जाए, कोई बात नहीं चला जाए। उसको देखती थी इमोशनल, ओ माय गॉड कितना अच्छा है। वो पिटाने वाला लड़का खोजती है सर, पीटने वाला नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि सोचते हैं इसको दो लड़का पीटा और दो लड़का पीट कर चला गया। ये बंदा कुछ भी नहीं बोला, अगर इससे शादी हो जाए तो किचन में दे बेलना दे चौकी दे लात दे मुक्का मारेंगे, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा। भाभी वैसे चाहे तो आप पी के आई होंगी। अरे कहाँ? ठीक है भाभी मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? उसको बोलो वो चाय बनाकर लाएगी। भाभी उसके सर में ना थोड़ा दर्द था तो वो आराम कर रही है, इसलिए मैं बना दी। देखो दीदी इतनी ढील मत दो, मैं तो कहती हूँ उसे अभी आवाज लगाओ और वो ही चाय बना के लाएगी। A few moments later. आप मेरी बहू को ही देख लो, मेरी बहू बिल्कुल गाय है गाय, बिल्कुल मैंने डरा धमका के उसको रखा है। अरे दीदी देखो ना बहू रानी का ही फोन है, उठा के जरा स्पीकर पे कर दीजिए। अरे मम्मी जी कहाँ मर गई? इस उम्र में भी हांडती रहती हो, घर में पैर नहीं टिक सकते क्या? 5 बज रहे हैं, आपको पता नहीं 5 बजे मेरे चाय का टाइम होता है? जहाँ पे भी हो घर पे आके चाय बनाओ। म्यूजिक मैं चलती हूँ। अच्छा मेरी एक हेल्प करोगे? आप मैडम जी हुक्म कीजिए। मेरे दोनों हाथ पतीले को पकड़े हुए हैं तो मेरा दुपट्टा सही कर दो ना। हाय हाय इतना सुकून। A few moments later. क्या हुआ? खुजली हो रही है। एहे, रहा नहीं जाता। तुम्हें भी खुजली हो रही है क्या? जी जी जी। चलो अंदर मैं तुम्हारी खुजली मिटा देती हूँ। टपा टप टपा टप टपा टप।